कथा नंबर 20, सम्यक दृष्टि का चौथा अंग, अमूर दृष्टि अंग में प्रसिद्ध रेवती रानी की कहानी। दुख कारक हैं कुपथ कुपंथी, इन्हें मानना नहीं मन से, करना नहीं संपर्क सत्कृति, यश गाना नहीं वचनों से। चौथा अंग अमूर दृष्टि यह जग में अतिशय सुखकारी, इसको धार रेवती रानी ख्यात हुई जग में भारी। इस भरत क्षेत्र के मध्य में विजयार्ध पर्वत है, उस पर विद्याधर मनुष्य रहते हैं। उन विद्याधरों के राजा चंद्रप्रभ का चित्त संसार से विरक्त हुआ और वे राज्य का कार्यभार अपने पुत्र को सौंपकर तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। वे कुछ समय दक्षिण देश में रहे। दक्षिण देश के प्रसिद्ध तीर्थों के और रत्नों के जिन बिंबों का दर्शन करके उन्हें बहुत आनंद हुआ। दक्षिण देश में उस समय गुप्ताचारी नाम के महान मुनिराज विराजमान थे। वे विशेष ज्ञान के धारक थे और मोक्ष मार्ग का उत्तम उपदेश देते थे। चंद्र राजा ने कुछ दिन वहां मुनिराज का उपदेश सुना और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। तत्पश्चात उन्होंने मथुरा नगरी की यात्रा पर जाने का विचार किया, क्योंकि वहां से जम्बू स्वामी ने मोक्ष पाया था और वर्तमान में अनेक मुनिराज वहां विराजमान थे। उनमें भव्यसेन नाम के एक मुनि बहुत ही प्रसिद्ध थे। उस समय मथुरा में वरुण राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम रेवती था। चंद्र राजा ने मथुरा जाने की अपनी इच्छा गुप्ताचारी के सामने प्रकट की और आज्ञा मांगी तथा वहां विद्यमान संघ के लिए कोई संदेश देने के संबंध में पूछा। उस पर श्री आचार्य देव ने सम्यक्त्व की दृढ़ता का उपदेश देते हुए कहा, आत्मा का सच्चा स्वरूप समझने वाला जीव बीतराग अरहंत देव के अलावा किसी को भी देव नहीं मानता है। जो देव नहीं है उसे देव मानना देव मूर्ता है। ऐसी मूर्ता धर्मी को नहीं होती। मिथ्या मत के देवादिक बाहर से देखने में कितने भी सुंदर दिखते हों, ब्रह्मा विष्णु या शंकर भले कोई भी हों, परंतु धर्मी जीव उनके प्रति आकर्षित नहीं होते। मथुरा की राजरानी रेवती देवी अभी सम्यक्त्व की धारक हैं। जिन धर्म की श्रद्धा में वह बहुत ही दृढ़ हैं, उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कहना तथा वहां विराजमान सुरत मुनि को, जिनका चित्त रत्नत्रय में रत है, उन्हें वात्सल्य पूर्वक नमस्कार कहना। इस प्रकार आचार्य देव ने सुरत मुनिराज को तथा रेवती रानी के लिए संदेश कहा, परंतु भव्यसेन मुनि को तो याद भी नहीं किया। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर भी आचार्य महाराज को याद दिलाने के उद्देश्य से पूछा, क्या दूसरे किसी को कुछ कहना है? परंतु आचार्य देव ने इस पर विशेष कुछ नहीं कहा। इससे चंद्र राजा को ऐसा लगा कि आचार्य देव भव्यसेन मुनि को भूल गए हैं। नहीं नहीं, वे तो भूलेंगे नहीं, वे तो विशेष ज्ञान के धारक हैं, इसलिए उनकी इस आज्ञा में अवश्य कोई रहस्य होगा। ठीक है, जो होगा वह प्रत्यक्ष दिखेगा। मन ही मन में ऐसा समाधान करके चंद्र राजा ने आचार्य देव के चरणों में नमस्कार किया और मथुरा की तरफ निकल पड़े। मथुरा में आते ही प्रथम उन्होंने सुरत मुनिराज के दर्शन किए। वे बहुत ही शांत और शुद्ध रत्नत्रय का पालन करने वाले थे। चंद्र राजा ने उन्हें नमस्कार किया और उन्हें गुप्ताचारी का संदेश कहा।
चंद्र राजा की बात सुनकर सुरत मुजाज ने प्रसन्नता व्यक्त की और स्वयं भी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर श्री गुप्ताचार्य के प्रति परोक्ष नमस्कार किया। मुनिवरों का एक दूसरे के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुरत मुजाज ने कहा, हे वत्स, वात्सल्य से धर्म शोभता है। उन रत्नत्रय के धारक आचार्य देव को, जिन्होंने इतने दूर से साधर्मी के रूप में मुझे याद किया, शास्त्र में सच ही कहा है। ये कुर्वन्ति सुवात्सल्यम भव्या धर्मानुरागतः सधर्मिकेषु तेषां हि सफलम जन्म भूतले। अर्थ, अहो, जो भव्य जीव धर्म से प्रीति होने के कारण साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य करते हैं, उनका जन्म जगत में सफल है। प्रसन्न चित्त से भावपूर्वक बारंबार मुजाज को नमस्कार करके राजा वहां से निकले और भव्य सैन मुजाज के पास आए। उन्हें बहुत शास्त्र ज्ञान था और लोगों में वे बहुत प्रसिद्ध थे। राजा उनके साथ थोड़े समय रहे, परंतु उन मुनिराज ने ना तो आचार्य संघ का कोई समाचार पूछा और ना कोई उत्तम धर्म चर्चा की। मुनि के योग आचार विचार भी उनका नहीं था। यद्यपि वे शास्त्र पढ़ते थे, फिर भी शास्त्रानुसार उनका आचरण नहीं था। मुनि को नहीं करने योग्य प्रवृत्ति वे करते थे। यह सब अपनी आंखों से देखकर राजा की समझ में आ गया कि ये भव्य सैन मुनि चाहे जितने प्रसिद्ध हों, परंतु वे सच्चे मुनि नहीं हैं। तो फिर गुप्ताचार्य उन्हें क्यों याद करेंगे? सच में उन चतुर आचार्य भगवान ने योग्य ही किया। इस प्रकार चंद्र राजा ने सुरत मुनि और भव्य सैन मुनि की स्वयं आंखों से देखकर परीक्षा की। रेवती रानी को भी आचार्य महाराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कहा है, इसलिए इनकी भी परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा राजा के मन में विचार आया। अगले दिन मथुरा नगरी के उद्यान में अकस्मात साक्षात ब्रह्मा प्रकट हुए। इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी साक्षात आए हैं। वे कह रहे हैं, मैं इस सृष्टि का कर्ता हूं और दर्शन देने के लिए आया हूं। यह बात नगरजनों में फैल गई। नगरजनों की टोलियां उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ीं और उन्हें गांव में लाने की चर्चा हुई। मूढ़ लोगों का तो क्या कहना, बहुभाग लोग इन ब्रह्मा जी के दर्शन करने आए। प्रसिद्ध भव्य सैन मुनि भी कौतूहलवश उस जगह आए। यदि कोई नहीं जाने वाले में थे तो वे केवल सुरत मुनि और रेवती रानी। जैसे ही राजा ने साक्षात ब्रह्मा की बात की, वैसे ही महारानी रेवती ने निशंकपने कहा, महाराज, ये कोई ब्रह्मा हो ही नहीं सकते। किसी मायाचारी ने इंद्रजाल खड़ा किया है, क्योंकि कोई ब्रह्मा है ही नहीं और ना ही कोई इस सृष्टि का कर्ता ही है। साक्षात ब्रह्मा तो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अथवा भरत क्षेत्र में भगवान ऋषभ देव ने मोक्ष मार्ग की रचना की, इसलिए उन्हें आदि ब्रह्मा कहते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरा कोई ब्रह्मा है ही नहीं कि जिसे मैं वंदन करूं। दूसरे दिन मथुरा नगरी में एक अन्य दरवाजे से नागशैया पर विराजमान विष्णु भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने अनेक अलंकार पहने हुए थे और उनके चारों हाथों में शस्त्र थे। लोगों में फिर हलचल मच गई। लोग बिना कोई विचार किए पुनः उस तरफ भागे। वे कहने लगे, आहा, मथुरा नगरी का महाभाग्य खुल गया है। कल साक्षात ब्रह्मा ने दर्शन दिए और आज विष्णु भगवान पधारे हैं। राजा को ऐसा लगा कि आज तो रानी अवश्य जाएगी, इसलिए उन्होंने रानी से यह बात स्वयं जाकर कही। परंतु रेवती, जिसका नाम था, जो वीतराग देव की शरण में ही समर्पित थी, उसका मन जरा भी डिगा नहीं। श्री कृष्ण आदि नौ विष्णु वासुदेव होते हैं।
और वे तो चौथे काल में हो चुके, दसवां विष्णु या नारायण होता नहीं, इसलिए अवश्य ये सब बनावटी हैं, क्योंकि जिनवाणी मिथ्या नहीं होती। इस प्रकार जिनवाणी की दृढ़ श्रद्धा पूर्वक अमूढ़ दृष्टि अंग से वह जरा भी विचलित नहीं हुई। तीसरे दिन वहां एक नई बात हुई, ब्रह्मा और विष्णु के बाद आज तो पार्वती सहित जटाधारी शंकर प्रगटे। गांव के बहुत लोग उनके दर्शन करने चल दिए, कोई भक्ति से गया तो कोई कौतूहल से गया, परंतु जिसके रोम रोम में बीतराग देव बसे हैं, ऐसी रेवती रानी पर तो कुछ भी असर नहीं हुआ, उसे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ, उल्टे उसे तो लोगों पर दया आई। रेवती रानी सोचने लगी, अरे रे परम वीतराग सर्वज्ञ देव, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले भगवान को भूलकर मूढ़ता से लोग इंद्रजाल में कैसे फंस रहे हैं। सच में भगवान अरहंत देव का मार्ग प्राप्त होना जीवों को बहुत दुर्लभ है। अहो आश्चर्य, अब चौथे दिन तो मथुरा के विशाल प्रांगण में साक्षात तीर्थंकर भगवान प्रकट हुए। अद्भुत समोसरण की रचना, गंधकुटी जैसा दृश्य और उसमें चतुर्मुख सहित विराजमान तीर्थंकर भगवान, लोग फिर दर्शन करने दौड़े। राजा ने सोचा, इस बार तो तीर्थंकर भगवान आए हैं, इसलिए रेवती रानी अवश्य जाएगी। परंतु रेवती रानी ने कहा, हे महाराज, अभी इस पंचम काल में तीर्थंकर कैसे? भगवान ने इस भरत क्षेत्र में एक काल खंड में 24 तीर्थंकर होने का ही विधान कहा है, और वे ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर मोक्ष चले गए हैं, यह 25वां तीर्थंकर कैसा? यह तो कोई कपटी का माया जाल है। मूढ़ लोग देव के स्वरूप का विचार किए बिना ही एक के पीछे एक दौड़े चले जा रहे हैं। बस परीक्षा हो चुकी, विद्याधर राजा को निश्चय हो गया कि रेवती रानी की जो प्रशंसा श्री गुप्ताचार्य ने की थी वह यथार्थ ही है, यह तो सम्यक्त्व के सर्व अंगों से शोभायमान है। क्या पवन से कभी मेरु पर्वत हिलता है? नहीं, उस सम्यक दर्शन में मेरु जैसा अकंप सम्यक दृष्टि जीव को धर्म रूपी पवन से जरा भी दिखता नहीं। देवगुरु धर्म संबंधी मूर्ताओं से होती नहीं, उनकी उचित पहचान करके सच्चे बीतरागी देवगुरु धर्म को ही वह नमन करता है। रेवती रानी की ऐसी दृढ़ धर्म श्रद्धा देखकर विद्याधर राजा चंद्रप्रभु को बहुत प्रसन्नता हुई। तब अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर उसने कहा, हे माता क्षमा करो, 4 दिन से इन ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि का इंद्रजाल मैंने ही खड़ा किया था। पूज्य श्री गुप्ताचार्य महाराज ने आपके सम्यक्त्व की प्रशंसा की थी, इसलिए आपकी परीक्षा करने के लिए ही मैंने यह सब किया था। आहा, धन्य है आपके श्रद्धान को, धन्य है आपके अमूर दृष्टि अंग को, हे माता आपके सम्यक्त्व की प्रशंसा पूर्वक श्री गुप्ताचार्य महाराज ने आपके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद भेजा है। अहो मुनिराज के आशीर्वाद की बात सुनते ही रेवती रानी को अपार हर्ष हुआ। हर्ष से गदगद होकर उन्होंने यह आशीर्वाद स्वीकार किया और जिस दिशा में मुनिराज विराजमान थे उस तरफ 7 पांव चलकर मस्तक नवाकर उन मुनिराज को परोक्ष नमस्कार किया। विद्याधर राजा ने रेवती माता का बहुत सम्मान किया और उनकी प्रशंसा करके संपूर्ण मथुरा नगरी में उनकी महिमा फैला दी। राजमाता की ऐसी दृढ़ श्रद्धा और जिन मार्ग की ऐसी महिमा देखकर मथुरा नगरी के कितने ही जीव कुमार छोड़कर जिन धर्म के भक्त बन गए और बहुत से जीवों की श्रद्धा दृढ़ हो गई। इस प्रकार जैन धर्म की महान प्रभावना हुई। भाइयों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वीतराग परमात्मा अरहंत देव का सच्चा स्वरूप पहचान कर उनके अलावा
अन्य दूसरे किसी को भी देव मानकर भले ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दें नमस्कार नहीं करें। जिन वचन के विरुद्ध किसी बात को माने नहीं भले सारा जगत कुछ भी माने और तुम अकेले पड़ जाओ तो भी जिन मार्ग की श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तव में रेवती रानी का जो जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धान है अटल श्रद्धान है वह उनके जैन धर्म के श्रद्धान को प्रसिद्ध करता है बताता है। ऐसा हम भी बीतराग जैन धर्म का अटूट अगाध श्रद्धान करें उसमें दृढ़ हों इसी भावना के साथ विराम। जय जिनेन्द्र।